अपने इस तरह की फोटो को ऐसा आईफोन में कैसे एडिट करें। अगर आपने एक नया आईफोन बाय किया या फिर आप आईफोन की फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह हम सारी एडजस्टमेंट्स को करते हैं, किस तरह से कौन सा फिल्टर लगाते हैं और किस तरह से सारी एडजस्टमेंट करके अपनी फोटो को इस तरह का जो है ना अच्छे से एडिट कर पाते हैं आईफोन में बहुत ही अच्छे से। तो मैं आपको जो है ना सिखाता हूँ कि किस तरह समझे करते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो मैं जो है ना एक बार इसे रिवर्ट टू ओरिजिनल कर लेता हूँ। तो ये हमारी नॉर्मल फोटो थी। तो इस तरह से हम एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे। एडिट वाले ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको चले जाना है फिल्टर्स में। तो इसमें 6 से 7 फिल्टर हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे फिल्टर हैं, बट जो सबसे इसका बेस्ट फिल्टर है वो विविड का फिल्टर है। तो आप विविड का फिल्टर यूज़ करें तो या तो फिर ये वाला फिल्टर है ड्रामेटिक, ये अच्छे हैं, ठीक है। तो हम इसमें विविड फिल्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सपोजर का, ठीक है। तो एक्सपोजर का मतलब होता है ओवरऑल फोटो की ब्राइटनेस। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस में लेके जाएंगे, हम इसे कर लेंगे -38 एंड ब्रिलियंस। तो मैं आपको फिर से एक बार एक चीज़ बता दूं कि आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से इन स्लाइडर्स को घुमा के चेक करना है कि ये कहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर फोटो की लाइटिंग कंडीशन और होती है, प्लेस और होती है। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से चार चीज़ें एडजस्ट करनी होगी। तो मैं ब्रिलियंस को इस तरह से बढ़ा लूँगा अराउंड 100, ठीक है। तो मैंने इसे +100 कर दिया। इसके बाद मैं हाईलाइट्स में आऊँगा। तो हाईलाइट का मतलब है हमारी फ़ोटो जहाँ पर लाइट ज़्यादा है, तो हमारे बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है, तो मैं इसे कम करूँगा, -67 कर दूंगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है शेडो। तो शेडो का बेसिकली मतलब है फोटो का वो वाला एरिया जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है, ठीक है। बट जहाँ पे लाइट बहुत अच्छी है तो मैं शेडो को फिर भी बढ़ा लूँगा अराउंड 51 तक मैंने इसे कर दिया, +51 कर दिया। इसके बाद कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट को आपने हमेशा माइनस में रखना है, ठीक है। तो मैंने इसे कर लिया -50 कर लिया, ठीक है। अब क्या हो कि मेरी फ़ोटो में जो है ना ये देखें हेयर्स और बियर्ड का जो कलर है ना, ठीक है, वो ऐसे फीका फीका हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक पॉइंट पे आके इसको इस तरह से बढ़ा दूंगा तो ये दोबारा से ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसे 27 कर दिया अपनी फ़ोटो के हिसाब से। इसके बाद आता है सेचुरेशन एंड वाइब्रेंसी, ठीक है। तो सेचुरेशन को आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि सेचुरेशन को अराउंड 10 से 20 के दरमियान रखें एंड वाइब्रेंसी को ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि वाइब्रेंसी क्या होता है कि हमारी फ़ोटो में सही कलर्स को बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं वाइब्रेंसी को बढ़ा लूँगा अराउंड, इसे कर लूँगा 29 कर दूँगा। इसके बाद वार्म टोन को मैं थोड़ा सा माइनस में लेके जाऊँगा ताकि फेस पे जो येलोनेस वो कम हो जाए। तो मैंने इसे कर दिया -6 कर दिया। इसके बाद टिंट है, तो टिंट को मैं बढ़ाऊँगा हल्का सा, फेस पे रेडनेस आएगी जो काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैंने इसे बढ़ा लूँगा 10 तक। शार्पनेस मेक श्योर करें कि आप इन दोनों चीज़ों को बढ़ा लें, ठीक है, 10 से 20 के दरमियान, ये बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। और एंड पे विनियट अगर आप इसमें ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं इसे अराउंड 10 तक कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए इसके बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी फोटोज़ को आईफोन में एडिट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।